का टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो, बुर्का टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो। तुम हिजाब पहन कर आओगे हम भगवा को लहराएंगे, तुम हिजाब पहन कर आओगे हम भगवा को लहराएंगे, तुम हिजाब पहन। ये इनका है कि विद्यालय के अंतर्गत हिजाब पे प्रतिबंध के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे भी जानते हैं कि जो भी स्थिति है कॉलेज के उसकी यूनिफॉर्म की, उसे पूरी तरीके से लागू हमने कराया हुआ है। क्लास में किसी भी तरीके का हम ना ही अलाउ किया हुआ ना ही अलाउ करेंगे। ये हमने हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ज्ञापन माननीय डॉक्टर महोदय जी को सौंपा है। और विद्यालय जो है, विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है और इसे किसी भी जाति धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग तालिबानी मानसिकता के लोग जो हिजाब का समर्थन करते हैं, जो इस महाविद्यालय के अंतर्गत उसके दो टुकड़े करवाना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां क्या पहनेंगी इसका निर्णय हम करेंगे, तो उन लोगों को मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि यह देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। मेरा नाम पुष्कर शर्मा है। ये पूरे देश भर में हिजाब पर एक विशेष समुदाय के लोग बवाल मचाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि शिक्षा का और खास करके विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का धार्मिकरण शिक्षा का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हिजाब के समर्थक हैं, कहें तो जो तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाते, ऐसे तमाम लोग हिजाब को लेके पूरे देश में विखंडन की नीति का पालन कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय के राष्ट्रभक्त छात्रों ने भी अपना पोशाक के रूप में रुद्राक्ष की माला और भगवा गमछा और तिलक चंदन करके उन्होंने भी ये किया। यदि एक समुदाय हिजाब को लेकर इतनी बड़ी लाइन खींचेगा और माहौल खराब करने का प्रयास शिक्षा का करेंगे, तो वो भी हमारे छात्र भी, हिंदू छात्र भी कॉलेजों में भगवा धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके, चंदन का लेप करके कॉलेज में शिक्षा हासिल करने का काम करेंगे। और वही आज धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ में किया गया है। अभी तो ये एक शुरुआत हुई है। पूरे अलीगढ़ के और मैं कहता हूँ पूरे देश के समस्त हिंदू इस बात पर बाध्य हो जाएंगे कि वो हर कॉलेज में, हर विद्यालय में भगवा पहनकर जाएंगे और वहां जाके शिक्षा हासिल करेंगे और ड्रेस कोड का मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा।